ये छुटकी अब हमको बहुत मिस करेगी, बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि एक चाला कोई सी ऑफ करनी नहीं है यार, गजब बेइज्जती है। चलो निकलते हैं, बहुत लोग सी ऑफ कर चुके हैं। सो दोस्तों, जेरी मस्त हॉस्पिटल से आ गए और ये अम्बाला का सबसे फेमस हॉस्पिटल पेट्स के लिए। तो जेरी हो गया है ठीक, काफ़ी अच्छा लग रहा है। डॉक्टर ने बोला एकदम मस्त है जेरी। वाओ, एकदम मस्त है जेरी। इसकी एक और दवाई हम लोगों ने ली तो इसमें समझ में आ गया ना कैसे खिलाना है। चलो उठाओ, मस्त हो गया एकदम। जेरी घूम रहा था एकदम, उसको खाना वाला मिल जा रहा है ग्रेवी वाला। और मौसम कितना औसम हो रखा है, बारिश एकदम होने वाली है। इसी के साथ स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल मिस्टर मिसेस राजवंश। दोस्तों अभी मैं निकल रहा हूँ घर, घर चल के पैकिंग वैकिंग भी करनी है, सीट बेल्ट लगा लो, बहुत सारा काम है। तो बने रहना ब्लॉग में, आप लोगों को दिखाते हैं, बाकी फिलहाल निकलते हैं यहाँ से। की 115 हरिद्वार 139 यमुना नगर 32 और हम लोग चल रहे हैं मुलाने की सड़कों पर। इस सड़क से बहुत जाने माने लोग आते जाते रहते हैं। हाँ जी फिलहाल अब हम लोग भी चलते हैं। जेरी मस्त सो रहा है अभी, रेस्ट कर रहे हैं। आप लोग बने रहिए साथ में। मिसेस राज, मिसेस राज पूजा करके आई हुई है तो इसका पूरा मुंह पसीना पसीना हो गया। तो पीछे का एक बार आपको लाइटिंग दिखाते हैं जो हमारे ड्राइंग रूम में लगा हुआ है, कितना सुंदर। पीछे से आगे दिखाइए कैमरामैन। हमारे कैमरामैन की एक खास बात आपको बताएंगे, ये हर दो दिन में, चलिए बाद में बताएंगे, पहले ये देख लीजिए नज़ारा कितना सुंदर है। बाकी अभी गाइस पहली बार जब से मिट्टी पड़ी है ना जमीन पे, आज भयानक बारिश हुई है, एकदम मस्त वाली बारिश। तो आपको चलते हैं पहले बाहर का नज़ारा दिखता है बाहर कैसा है। वैसे तो मेरी मैंने गाड़ी अंदर लगा ली क्योंकि अभी हमें निकलना भी है, अभी हम लोग को बहुत दूर ट्रैवल करना है, बहुत दूर दूर ट्रैवल करना है। तो बने रहना ब्लॉग में एंड आई एम श्योर आप लोग इन्जॉय करोगे। और ब्लॉग अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना यार, कंजूसी नहीं करनी है ना। बाकी 30 की तैयारी चल रही है, मनीषा अब 30 मनाने जा रही है तो अच्छा खासा 30 भी हम लोग कल सेलिब्रेट करेंगे और भी जो चीज़ें वो आपको देखने को मिलेगी। नो बारिश देख सकते हैं आप लोग, बारिश कितनी अभी अच्छी खासी हो रही है, बहुत अच्छा खासा बारिश में जूते उते थोड़े गीले हो गए होंगे, बिखरे हुए हैं और बहुत जोरदार बारिश हुई है। मतलब इसको कहते हैं ना कि लेवल वाला बारिश। हाँ भाई पिटपिटा के बारिश, पूरी मिट्टी तो जरूर बैठ जाएगी, अगर रात भर ऐसी बारिश हुई फिर तो मिट्टी तो पक्का बैठ ही जाएगी घर में। तो बने रहिए आप लोग, एंजॉय कीजिए ब्लॉग, बाकी चलते हैं मनीषा के पास। यहाँ पे तेल का पता नहीं क्या किया जा रहा है, पूजा के लिए वेरी नाइस। वहाँ घी है तो घी का दिया जलाओ, जब ना उसमें थोड़ा तेल डाल दिया उस तरह भी जलाए। नहीं घी तेल का जरूरत नहीं पड़ता है, ये देखिए क्या डिस्कशन चल रहा है। बाकी ऐसे पीछे से दुबा कर उसमें ऐसे पोस्ट किया फिर उसको उल्टा कर देना, घी अपने आप और हीट ट्रांसफर होते जाता है। तेल से तो कभी जलाया ही नहीं जाता गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन बताना, सरसों के तेल से दीपक कभी नहीं जलाया जाता, तिल का तेल नहीं तो घी से। नहीं हमको खुद कमेंट कर करके बताया है सर कि सरसों का तेल नहीं जलाना चाहिए कभी। गाइस ये बीपीएससी की तैयारी करती हैं, जल्द ही वर्दी में दिखेंगे आप लोगों को। तो गाइस ये छुटकी अब हमको बहुत मिस करेगी, बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि एक चाला अच्छा नहीं लगता ना। वीजा का शांति से रहेंगे, अभी 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 प्रेरणा लेके रहती हैं। हाँ आशा भी मिलेगा इनको। और जेरी एकदम मस्त हो रहा है, जेरी की दवाई में कहीं नींद की दवाई मिलाई हुई है ठीक है, इसको डॉक्टर साहब ने नींद वाली दे रखी है, इसको आराम से 2-3 दिन भरपूर रेस्ट लूंगा। अभी घर में कोई भी आएगा इसको पता नहीं चलता, उठ गया जेरी। चलो भाई इतना मस्त बारिश हुई ना, गाड़ी धुल गई एकदम, मौसम लग रहा है ना। बाकी नीरज यहाँ रहेगा, हम लोग चलते हैं। देखिए अभी लोग क्या क्या बात कर रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से ठीक है। निशा कान खोदते रहना, कैसा वाला तुम लिए कान खोदने वाला, कोने में छूट जाएगा। हाँ इसका कान का पता खोद रही तो अंदर ही रह गया था। निकलते हैं, काफी लेट हो रहा है क्योंकि हम लोग अभी बहुत ज्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, 7-8 घंटे का ड्राइव है अभी कम से कम। तो क्योंकि वो थोड़ा सा दिल्ली से भी आगे है ना, तो इसलिए गुड़गांव साइड है, तो बिल्कुल गुड़गांव साइड है, गुड़गांव में ही एक तरह समझो। तो बस बने रहो आप लोग, बाकी चलते हैं यहाँ से। हमें वीडियो बनानी पड़ रही है, खुश हो रहा है हम लोग जाने से, देखो गाइस कितना खुशी है लोग।
सब खुश हैं, हम लोग जाइए पार्टी को। हम खुश हैं, हम खुश हैं, हम खुश हैं, हम खुश हैं। पूरी मंडली यहाँ पर उदास हो रही है, चलते हैं हम लोग। चलो निकलो, तो यहाँ से जा रहे हैं हम लोग फाइनली। कोई सी ऑफ करनी नहीं आया यार, गजब बेइज्जती है। चलो निकलते हैं, बहुत लोग सी ऑफ कर चुके हैं। थैंक यू, चलते हैं अब। हाँ, बारिश हुआ ना, कितना मस्त मौसम हो गया गाइस। वाओ, क्या ही बताऊँ मैं अल्टीमेट। लेकिन आज मेरा मसाला बहुत लॉस हुआ होगा, जानती हो मसाला बनाया था, एकदम जोरदार बारिश आ गया। दोस्तों अभी हम लोग फिलहाल रुके हुए हैं ढाबा पे खाना वाना खाने के लिए। खाना थोड़ा सा भूख लग गया था और अभी वक्त हो चुके हैं रात के लगभग 8:30 है ना। हम लोग जा रहे थे, फिर मनीषा को याद आया कि सिनोरा तो छूट ही गया, तो दोबारा लेकर के फिर से उसको वापस आए हुए हैं। तो बने रहिएगा आप लोग, बाकी खूब सारा हम लोग इन्जॉय कर रहे हैं। जर्नी है, रात की जर्नी है, वैसे भी ड्राइव है तो थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या कहते हैं ना कि मतलब रात को दिल्ली में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाती है शाम को, स्पेशली 8-9 बजे के आसपास, तो थोड़ा लेट हो गया है। अब दिल्ली से और भी ज़्यादा दूर जाना है, वो भी रानी दीदी के घर, आप लोगों को पता लग ही चुका होगा। बहुत सारे लोग बोल रहे थे आप लोग बिहार से ले जाओ, लेकिन बिहार से अभी जस्ट ही आए हैं और बिहार जाने का मतलब कितना जल्दी नहीं आ सकते हैं। बिल्कुल, हमको कल तो नहीं, नहीं बिहार जाएंगे, जब बिहार का टाइम आएगा बिहार भी जाएंगे। अभी वहीं पर थे इतने दिन, और जो भी होगा आप लोगों को दिखेगा ब्लॉग में, बने रहना। फिलहाल रानी दीदी के घर चल रहे हैं हम लोग, खूब इन्जॉय करेंगे। रानी दीदी इंतजार कर रही है ना जी? हाँ, उनके घर सोचे कि वो बोल भी रही थी, और वैसे वहाँ पे हमें लगा कि निशा दीदी व्रत करेंगी, लेकिन आप सभी को पता है कि वो अब व्रत नहीं करने के लायक है, मतलब क्योंकि नहीं वो कर सकती है, गुड न्यूज़ तो मिली गया। अगर वो करती व्रत तो फिर मेरे को जाना नहीं पड़ता, और अब नहीं करी इसलिए हमको जाना पड़ रहा है। दोस्तों अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं दिल्ली साइड, लेकिन अभी फिलहाल गुड़गांव जाना है हमें। तो ये है वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, काफ़ी शानदार। बाकी यहाँ जो कलर्स बोल के लगे हुए हैं ना, देखो बोल के जो LEDs लाइट्स लगी हुई है, ये मस्त लग रहा है, तिरंगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, कितना सुंदर। नहीं तो कल मुंह लाल लाल हो जाएगा पहले ही। अब सब सो गई है, सब सो गए। हेलो, रिचा जग रही है। खुश रहो, खुश रहो, पैर मत छो। अभी के अभी ये लोग खजूर खिला रहे हैं, बताओ ठेकुआ। रात के 12:10 हो गए, हम लोग निकले थे वहाँ पे 8:05 पे, तो UPI पेमेंट कर रही थी, फिर उसके बाद बराड़ा गए वापस। 8 बजे के बहुत लंबे हो गए क्या? अरे नहीं, हम मोटे हो गए, इससे छोटे लग रहे हैं। नहीं सच में, हाँ नहीं, पहले ज्यादा मोटी हो गई। कैसे? दौड़ाना पड़ेगा तब। ये दौड़ाते हैं लेकिन। तो गाइस देखिए, आते आते मेहंदी लगाना स्टार्ट कर दिए। अभी इसके बदले में आपको पता नहीं है क्या मिलेगा, इसके बदले में मेहंदी खुद भी लगवाएगी एक हाथ में, लेकिन इसको खुद लगाने आता भी है। तो दोस्तों अभी यहाँ दूसरे हाथ पे भी मनीषा की मेहंदी लग चुकी है। मैंने लगाया हुआ है, आप लोग कमेंट करना। ये देखो कैसा, इसमें कैसा आ रहा है। बाकी रानी दीदी अपने हाथ का दिखाइए, रंग कैसा आया, इनके हाथ का देखिए। कलर अच्छा आ गया। और ये पता है इस हाथ को रानी दीदी का हम लगाया था। हाँ, ये वाला हाथ रात में लगाया था, वो वाला कलर ज्यादा आ गया। ये बहुत पहले लगा हुआ है ना, 10 बजे करीब उन्होंने लगाए थे, ये शाम तक अच्छा कलर आ जाएगा इसमें। ये देखो, ये वाला सुंदर लग रहा है ना। मैं ये भी, मेरे को बहुत टाइम मिला, मतलब आज के काम हम नहीं है तो इसलिए सोचे थोड़ा अच्छे से। अरे उस समय से चपड़ चपड़ बात कर रहा है, लोग गला सूख जाएगा, प्यास लग जाएगा, फिर मुंह बंद हो जाएगा।
तो आज वो भी आज पता है सबसे मतलब बेकार ये लग रहा है कि आज का मौसम बहुत धूप वाला है, प्यास लग जाएगी ऐसा मौसम दिख रहा है। कल बारिश हुआ था बराड़ा में, यहाँ नहीं हुआ था, यहाँ पे नहीं हुआ था, यहाँ मौसम ठंडी बहुत है लेकिन बारिश नहीं। चलो गाइज इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, खूब सारा शेयर कीजिएगा। बाय बाय। अब भी लगा लेते हैं। डिजाइन कॉपी करती है, चोरी करके नहीं, यहाँ से कुछ कुछ डिजाइन भी देख लेते हैं। अब देखो ये डिजाइन लग रहा है, ये डिजाइन हम लगाए, सब मिक्स मैच। चलो बाय बाय। ये थोड़ा सा I've been waking up alone. You left me here hours ago. Obsessively check my phone. Do you even know? Pick apart.